अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ गार्लिक मशरूम बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली। ये एक बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ये इतनी यम्मी बनके तैयार हुई है, इसको टेस्ट करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए मटन और चिकन को भूल जाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही क्विकली बन जाती है। तो चलिए देखते हैं इस आसान और मज़ेदार गार्लिक मशरूम रेसिपी बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। गार्लिक मशरूम बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 250 ग्राम बटन मशरूम, जिसे मैंने चार हिस्सों पे कट कर लिया है और रनिंग वाटर से अच्छे से साफ कर लिया है। साथ में ले रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च, गार्लिक बारीक कटा हुआ, हरा धनिया, विनीगर और सूखे मसाले। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन मैंने गरम कर लिया है, अब इसमें ऐड कर दूंगी 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। आप चाहे तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए, अब इसमें ऐड कर दूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। ये 4 मीडियम प्याज है, इसे मैं अच्छे से सौते कर लूंगी। देखिए प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बारीक कटा हुआ गार्लिक लहसुन, जिसे मैंने बहुत बारीक सा चॉप कर लिया था। आप चाहे तो इसे क्रश भी कर सकते हैं। अब मैं इसे भी थोड़ी देर के लिए भून लूंगी, जब तक कि इसकी रॉ स्मेल ना चली जाए। प्याज और लहसुन अच्छे से अब भुन गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कैप्सिकम, शिमला मिर्च। मैं यहाँ पे येल्लो कैप्सिकम इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने पसंद के हिसाब से ग्रीन, येल्लो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जब कैप्सिकम थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हल्दी, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, और साथ में ऐड कर दूंगी 2 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स, कुटा हुआ लाल मिर्च। अगर आपके पास ये ना हो तो आप चाहे तो ऑर्डिनरी रेड चिल्ली भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में ऐड करती हूँ 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इन सभी को मैं अच्छे से भून लूंगी। जब थोड़ी देर अच्छे से भुनने के बाद, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रोजमेरी, ड्राई रोजमेरी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। इसे भी मैं अच्छे से भून लूंगी। जब मसाला अच्छे से भुन जाए, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कटा हुआ मशरूम। इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फ्लेम मैंने यहाँ पे हाई रखा है, थोड़ी देर हाई रखूंगी और थोड़ी देर बाद इसकी फ्लेम लो कर दूंगी, ताकि ये अच्छे से कुक हो सके। हम इस मशरूम को टॉस करके भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी इसका जायका और अच्छा आएगा और ये जल्दी भी बनेगा। थोड़ी देर अच्छे से भूनने के बाद, अब मैं इसकी लिड बंद करके 5 से 6 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे कुक कर लूंगी, ताकि अच्छे से कुक हो जाए। 7 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पे कुक कर लिया था। देखिए अब अच्छे से ड्राई हो गया है। देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून वाइट विनीगर। आप इस विनीगर की जगह लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी और थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई कर लूंगी। दो मिनट मैंने इसे अच्छे से सौते कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी, ताकि इसका टेस्ट इसी में बरकरार रहे। देखिए ये कितना ज़बरदस्त और यम्मी लग रहा है देखने से ही। और देखिए ये एकदम परफेक्ट बनके तैयार हुई। तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं। तो देखा आपने कितने आसानी से और इजी मेथड से हमने इस गार्लिक मशरूम को तैयार कर लिया है। ये देखिए ये कितना यम्मी और रिच लग रहा है देखने से ही। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, इस गार्लिक मशरूम की इस आसान सी यम्मी एंड डिलीशियस रेसिपी को। आप इसको सर्व कीजिएगा रोटी या नान या राइस के साथ, ये उतना ही ज़बरदस्त लगेगा। ये इतना यम्मी बनके तैयार हुई है, इसको टेस्ट करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए मटन और चिकन को भूल ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझसे शेयर कीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।